ଖାଇବା ତେଲରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ। ଏଥିପାଇଁ 11,000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେବଳ ଧାନ କି ଗହମ ନୁହେଁ, ଏବେ ଭାରତକୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବି ଅଗ୍ରଣୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଡାଲି ମିଶନ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ନଜରରେ ଖାଇବା ତେଲ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିବେଶ ସହ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ ହନି ବି ଗତବର୍ଷ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନୀ କରିଛି ଭାରତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ନାଫେଡ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦେଶର ଚାଷୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଝେ ୟାଦ ହେ କି କୁଛ ସାଲ ପହେଲେ ଜବ ଦେଶ ମେ ଦାଲୋ କି ବହୁତ କମି ହୋ ଗଇ ଥି, ତୋ ମୈନେ ଦେଶ କେ କିସାନୋ ସେ ଦାଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାନେ କା ଆଗ୍ରହ କିୟା ଥା। मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। भाइयों और बहनों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। पीएम किसान योजना रे चासी को मिलिला नवम किस्ती। अन्नदाता अकाउंट को गला 19,500 कोटि टंका। 9,75,00,000 रु अधिक चासी परिवार लाभ पाइछन्ते। टंका ट्रांसफर परे हिताधिकारी सीधासलख कथा होती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एक अवसर में प्रधानमंत्री कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे प्रतिवर्ष योग्य चासी परिवार को 6,000 टंका लेखाएं प्रदान करा जाउछे। एहाकु तीनोटी किस्ती रे सीधासलख चासी को अकाउंट को पठा जाउछे। ए योजना रे वर्तमान सुधा 1,38,00,000 कोटी टंका अन्नदाता अकाउंट रे जमा करा जाय सारिछे। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया।